तुमने देखा था हमलावर को? हाँ साहब, हम सब जानते हैं उसे। वो सतीश ठाकुर ही था। हाँ साहब, मैंने भी देखा था। वो सतीश ठाकुर टैक्सी ड्राइवर है, हमारे मोहल्ले में ही रहता है। दुर्गा दीदी का घर अगली गली में है साहब, घरों में काम करती हैं वो। कहीं से काम करके ही लॉटरी होगी बेचारी। सर, पटुए में 300 रुपए और इसका मोबाइल भी यही पड़ा मिला। हाँ साहब, वो सतीश ने कुछ उठाने की कोशिश नहीं की, वो चाकू फेंक के भाग खड़ा हुआ। राजन, गोपाल, साथ चलो हमारे। दुर्गा वर्मा और सतीश ठाकुर का घर देखो। दुर्गा दीदी का घर यही है। ये दुर्गा वर्मा यहाँ अकेली रहती है? नहीं साहब, उनका बेटा जगत भी साथ ही रहता है। जगत का नंबर है? मेरे पास तो नहीं है साहब। हाँ, हो सकता मालती दीदी के पास हो, बगल में ही रहती है। साहब, लगता है सतीश भाग गया। ये सतीश ठाकुर का अपना घर है? नहीं सर, वो तो किराए पर रहता है। दो गली छोड़ के पीछे संतराम जी, वो मकान मालिक है। ठीक है, संतराम को बुलाओ। जी साहब। अनिल, ताला तोड़ो। हे भगवान, अपने सतीश ने। मालती जी, ये दुर्गा वर्मा का बेटा जगत कहाँ है? वो तो अपने गांव गया हुआ है। कब से? यही कोई एक हफ्ते पहले मुझे दुर्गा दीदी ने बताया था। और कोई रहता है घर में? अब उसकी बहू थी। थी मतलब? मेरा मतलब है, उसका नाम शिखा है, पर वो 3 महीने पहले मैके चली गई। इस शिखा का नंबर और उसके मायके का एड्रेस चाहिए। जी वो तो नहीं है। जगत का नंबर? जी वो भी नहीं है। हाँ, दुर्गा दीदी का नंबर है, पर उनसे कभी बात करने का नौबत नहीं आया। अब वो दुर्गा दीदी के फोन में जगत का नंबर पक्का होगा। साहब, संतराम जी। साहब, इस कमरे का मालिक मैं ही हूं संतराम। क्या हुआ? तुम्हारे किराएदार सतीश ठाकुर ने एक औरत को चाकू मार दिया, बुरी तरह से जख्मी है। हे भगवान। उसका फोन नंबर, फोटो, गांव का पता, ये तो होगा ही तुम्हारे पास। फोटो तो नहीं है, पर हाँ नंबर है। और उसके पिताजी गाजियाबाद में ही रहते हैं।
मुक्ति नगर में। नंबर दो। एक मिनट सर। हाँ पांडे बोलो। सर ऑपरेशन के दौरान दुर्गा वर्मा ने दम तोड़ दिया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर बेटे का नंबर जगत वर्मा। कौन बोल रहे हैं? जगत वर्मा। हाँ बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? मैं गाजियाबाद पुलिस से सब इंस्पेक्टर बंसल बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ दुर्गा वर्मा अब नहीं रही। क्या कह रहे हैं साहब, क्या हुआ? वो तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले की टैक्सी ड्राइवर सतीश ठाकुर ने उन पर चाकू से हमला किया है। क्या? सतीश ने? कब? काहे? वो तो पता नहीं, लेकिन अभी 2 घंटे पहले वारदात हुई है। लेकिन साहब सतीश ने ऐसा क्यों किया साहब? वो तो हमारा दोस्त है। सतीश अभी हमारे हाथ नहीं लगा है, वो शायद फरार हो गया है। जगत तुम अभी कहाँ हो? हम हमारे गांव में साहब, बिहार में। तुरंत निकलो। देखो गोपाल और राजन, तुम दोनों चश्मदीद गवाह हो, तो तुमने जो जो देखा सब कुछ शुरू से आखिर तक पूरा पूरा बताना। गोपाल तुम शुरू करो। साहब वो हम फैक्ट्री से शाम को काम खत्म करके लौटे ही थे, हाथ मुंह धोए घरवाली खाना परोस ही रही थी कि अचानक चीखने की आवाज सुनी। साहब सतीश हमारा बेटा है तो क्या हुआ, वो हमारे साथ रहता तो है नहीं ना, फिर हमें ऐसे बिठा कर रखने का क्या मतलब है इनका? कमला शांत हो जाओ, जो भी सवाल पूछेगी उसका सीधा सीधा जवाब दे देंगे। अब हमें क्या पता था कि हमारे बेटे के सर पे कौन सा भूत सवार हो गया था? The number you have called is currently switched off. फोन पर फॉरवर्ड आया? जी सर, सतीश ठाकुर की फोटो। किसी भी सूरत में ये बंदा गाजियाबाद से निकलना नहीं चाहिए। पूरा शहर सील कर दो, हर मुमकिन जगह पर छापे मारो, लॉजेस स्टेशन हर जगह। सर जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सतीश ठाकुर का फोन स्विच ऑफ है। पहले घर खाली किया, ताला लगाया, मर्डर किया, उसके बाद फोन स्विच ऑफ। लगता है सतीश ठाकुर ने दुर्गा वर्मा का कत्ल पहले से प्लान रखा था, चाकू भी खरीदा होगा। सर दुर्गा वर्मा का बेटा जगत वर्मा भी सतीश ठाकुर की तरह टैक्सी चलाता है, दोनों के बीच दोस्ती रही है। मर्डर का कारण पैसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मोबाइल और पर्स लेने की कोशिश नहीं की गई, कोई पर्सनल एंगल हो सकता है। जगत और सतीश की दोस्ती को टटोलो। जी सर, सर वो सतीश के माँ बाप आए हुए हैं। साहब उस बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। सतीश से आखिरी बार कब मिले थे दामोदर जी? 2 महीने पहले। हालचाल पूछा उसका तो सब ठीक है बोला था। साहब जी वो हमारे साथ रहता भी नहीं, क्या करता है क्या नहीं हमें कैसे पता होगा साहब? रमेश तेरे बड़े भैया सतीश ने तुझे कभी कुछ बताया? किस बारे में सर? उसके दोस्त जगत के बारे में, उसके साथ कोई झगड़ा, जगत की माँ दुर्गा वर्मा के साथ कोई झगड़ा जिसे उसने मार डाला? नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं बताई। तू क्या करता है रमेश? एक्सप्रेस वे पर रुचि होटल है साहब, वहाँ खाना बनाता हूँ। भैया से ज़्यादा बात नहीं होती कभी, और वो तो 6 साल से टैक्सी चला रहे हैं। साहब जी टैक्सी क्या चलाने लगा, 2 पैसे के हाथ में आए पूरा बिगड़ गया था वो। एक शाम ऐसे नहीं जाती थी कि पिकर नहीं आता था। साहब 6 महीने से पूरे घर का माहौल गंदा कर रखा था, तो हमने एक दिन बोल दिया कि भाई अपना तुम खुद इंतज़ाम कहीं और कर लो, अपनी ज़िंदगी खुद जी लो। कहाँ से आप लोग? करौली गाँव, जिला पटना, बिहार से। लेकिन पिछले 15 साल से हम वहाँ नहीं गए। वहाँ भी कोई रिश्तेदार है आपका? मेरा छोटा भाई प्रमोद ठाकुर। नंबर दो उसका। जी हम प्रमोद ठाकुर बोल रहे हैं, दामोदर ठाकुर हमारे बड़े भैया हैं। आप कौन है? गाजियाबाद पुलिस से सब इंस्पेक्टर बंसल बोल रहा हूँ। आपका भतीजा सतीश यहाँ एक बुजुर्ग महिला का खून करके फरार हो गया है। खून करके? हे राम, अगर सतीश आया तो हम फौरन आपको खबर कर देंगे। सर जी रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से लगकर जितने भी लॉज है छोटे बड़े सभी जगह गश्त लगा रखी है, लेकिन सतीश कहीं नहीं मिला सर। गश्त रोकनी नहीं चाहिए मानिक, और ये सतीश ठाकुर भी शहर छोड़कर जाना नहीं चाहिए। सर सर डाटाबेस स्कैन किया, बंदे की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री तो हो सकती है पांडे, लेकिन शायद ये कभी पकड़ा नहीं गया। एक काम करो, टैक्सी मालिक और इसके सारे टैक्सी ड्राइवर दोस्तों से क्वेश्चनिंग करो। जी। तब तक दुर्गा वर्मा का बेटा जगत वर्मा भी यहाँ पहुंच जाना चाहिए। Oh
15 स्टैब्स इन टोटल और हर बार पूरी ताकत से किया गया। काफी गुस्से में रहा होगा सतीश ठाकुर, वरना इतने बार, वो भी एक अधेड़ उम्र की औरत पर। मर्डर के मकसद से चाकू खरीदा होगा सतीश ठाकुर ने, लेकिन मोटिव पर कोई लीड नहीं मिल रही है। विक्रम का बेटा जगत एनी टाइम यहां पहुंचने वाला है बिहार से। सतीश कहाँ छुपा है ये हमें कैसे पता होगा साहब? हम लोग तो खुद ये खबर सुनकर बेहाल है कि ऐसा कैसे अचानक सतीश ना, ना 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 अचानक नहीं, पूरी तैयारी के साथ कत्ल किया इस जगत की माँ का। तुम लोगों को कुछ तो खटका होगा पिछले दिनों इस सतीश ठाकुर के बर्ताव में। ये जितनी गाड़ियाँ हैं नारायण सेठ की है, हम चलाने लेते हैं, सतीश और जगत भी। एक हफ्ता पहले जगत कहीं चला गया और उसी दिन से साहब सतीश भी गाड़ी नहीं चला रहा है। अब क्यों क्या ये तो हम नहीं जानते साहब। और हाँ साहब, आप बात खटकने की कर रहे थे ना साहब, तो देखिए ये सतीश और जगत एक नंबर के जिगरी दोस्त हैं, मतलब कि शबाब और कबाब सब मिल बांट के होता है इनका। कोई झगड़ा होता है इन दोनों के बीच में? झगड़े किसके नहीं होते हैं साहब। यहाँ स्टैंड पर कौन कहाँ गाड़ी लगाएगा ये तय करता है दिन में कितना रोकड़ा कमाएगा, तो सबके झगड़े ज़्यादातर स्टैंड को लेकर ही होते हैं साहब। और हाँ साहब, एक बात बोलूँगा, पिछले कुछ सालों से ये सतीश एक नंबर का गुस्सैल रहा है और पिछले कुछ महीनों से तो ये जगत भी गुस्सा नाक की नोक पर लेकर घूमता है। क्यों? साहब जगत की बीवी उसे छोड़कर चली गई है। एक माँ ही थी हमारी और कोई नहीं है हमारा। एक बीवी भी तो है। सुना है छोड़कर चली गई तुझे, क्यों चली गई? नमस्कार भैया, बहुत हो गया। शिखा इस बार आखिरी बार मेरे कहने से रुक जा, मैं समझाऊंगी इसे, तू भी समझाना। नहीं अम्मा जी, हर बार हम आपके कहने पे रुक गए लेकिन अब नहीं, आपको समझाना है इनको समझाइए। पिछले 2 साल से जानबूझकर सुलूक करते रहे हमारे साथ। अम्मा जी हमको मशीन समझते ही, मशीन। एक बटन दबाएंगे गरम रोटी मिल जाएगी, दूसरा बटन दबाएंगे बिस्तर गरम कर देगी और थोड़ी सी देर हो गई तो ठोक पीट करके मशीन को ठीक कर लेंगे। बड़ा मर्द कहते आए अपने आप को, ऐसे मर्द के साथ हम अपना नाम काहे जोड़े अम्मा जी। मैं सब समझती हूँ बेटी, लेकिन हम औरतों को ये सब झेलना पड़ता है। नहीं अम्मा जी, झेलने की कोई जरूरत नहीं है, और हम काहे झेलें इनकी हवानियत बताइए ना। इसे तो अच्छा है कि हम अकेले रहे, कम से कम इस नरक से तो पीछा छूटेगा हमारा। बेटी एक बार फिर सोच ले, शादीशुदा जवान औरत हो, माँ बाप पे काहे बोझ बनोगी? बोझ बनने वाली लड़कियों में से नहीं है हम, बोझ उठाने वाली लड़कियों में से है। अगर इनमें थोड़ी सी भी इंसानियत होती ना अम्मा जी, जिंदगी बना देते इनकी जिंदगी, लेकिन नहीं, इनमें वो नहीं है। गुरूर है साली को, दिन भर मेहनत करने के बाद अगर 2 घूंट मार लिया ना तो कौन सा गुनाह कर दिया, लेकिन ना उसको तो हमेशा हमको नीचा दिखाना था। सतीश की तेरी माँ के साथ क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी हमारी माँ से तो देवी के समान थी, सब कुछ थी हमारे लिए। सतीश ने उन पर 15 वार किए, भयंकर गुस्सा रहा होगा। हमें नहीं पता साहब, हम तो एक हफ्ता से गांव में थे ना। और एक हफ्ते से सतीश भी टैक्सी नहीं चला रहा था, कहीं तुम दोनों की कोई मिली भगत तो नहीं है? आप हमारे जख्म में नमक छिड़क रहे हो तेजाब। अच्छा एक बात बता जगत, तेरी बीवी के साथ नहीं जमती थी ये बात तूने हमसे बताई, लेकिन तेरी और सतीश की दोस्ती के बीच दरार क्यों आई, ये क्यों नहीं बता रहा है? वो सिखा हमको छोड़ के चली गई ना, तो वाकई में हमारा दिमाग ना एकदम उबलने लगा था, और उधर वो सतीश हमारी टैक्सी स्टैंड वाली जगह पे अपना गाड़ी खड़ी करने लगा। ये गलत बात है सतीश, फिर हमारी जगह ले ली। जगत मैं सुबह 9:30 से यहाँ पर बैठा और अब देख कितना बजा, 10:30। अरे 2 सवारी भी अप डाउन कर ली मैंने। चल एक काम कर, खड़ा हो, हमारी गाड़ी के पीछे ले ले। साला तेरा ना अभी ये जगत रोज का हो गया है, रोना धोना। तू हर रोज जल्दी आता है, 2-4 भाड़ा मारता है और हमारी जगह पे अपना नंबर लगा देता है। नंबर उसी का लगता है जो पहले आता है, समझा? अब तू साला देरी से आएगा तो हम क्या तेरा इधर इंतजार करते बैठेंगे? हाँ थाली लेकर आरती उतारेंगे तेरी। देख हमारा दिमाग घूम गया ना तो बता दे रहे, 2-4 हाथ रख देंगे किसी दिन घुमा के।
तक घुमा और दो चार घुमा, चल चल कितना घुमाने का घुमा। अबे यार तुम लोग फिर सुबह सुबह शुरू हो गए यार। अभी शुरू नहीं हुए, जिस दिन शुरू हो गए ना इसको तो पहुंचा देंगे। रुक, नहीं मारूंगा, मुझे पहुंचाएगा। हाँ सतीश सुन मेरी बात ध्यान से सुन, ये मेरी गाड़ी है ना, ये गाड़ी रोज सुबह इधर ही लगेगी, समझा, यही लगेगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था साहब, वो हम पे हाथ उठाया, सब जानते हैं उसका दिमाग फर्स्ट गियर से सीधा चौथे में लगता है। सनकी है साहब, तुम दोनों तो दोस्त भी थे, रोज शाम को बैठकर पीते भी थे। हाँ साहब, हम उसको दोस्त मानते थे लेकिन वो हमसे दादागिरी करता था। हमें एक सच्चे दोस्त की जरूरत थी, अकेले अकेले हमारे दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाता था, लेकिन साला वो सतीश हमारी मदद नहीं करता था, ऊपर से हमारा मजाक उड़ाता था, हम पे हाथ उठाता था। ये टैक्सी स्टैंड के रोज के छोटे मोटे झगड़े के बीच तेरी माँ कहाँ से आ गई? सतीश ने उन पर हमला क्यों किया जगत? हमें लगता रहा कि हमारे ही थोड़ा दिमाग खराब है, तनिक हम ही पागल है, लेकिन साहब ये तो पूरा पागल निकला, मेरी माँ को मार दिया। साहब सतीश सनकी ये सब जानते हैं, लेकिन किसी का मर्डर और वो भी उसके जिगरी दोस्त की माँ का, सब हमें नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। सर मर्डर तो हुआ है और सतीश ने क्या गुनाह? टैक्सी स्टैंड के झगड़े के अलावा कोई और वजह रही होगी? अब कोई और वजह साहब क्या है वो तो हम नहीं जानते साहब, लेकिन ज़रूर कुछ हुआ होगा आपस में, काम के बाद भी मिलते थे साहब, रोज़ साथ में पीते थे। लेकिन यार कुणाल एक महीने से ऊपर हो गया था, सतीश ने तो दारू पीना भी छोड़ दिया था। हाँ अब तू बोल रहा है तो मुझे भी याद आ रहा है, तीन चार हफ्तों से कुछ चुप चुप सा भी था सर। क्या बात है सतीश, जगत बोल रहा था कि तूने दारू पीना भी छोड़ दिया। अरे भाई बिना पेट्रोल गाड़ी चलती है वाला। साहब अगर किसी और दिन ऐसा बोला होता तो दो चार गालियां जरूर निकालता मुझे, लेकिन उस दिन तो एकदम खामोश। क्यों चुप हो गया था? इन दोनों के बीच या फिर सतीश की लाइफ में कोई औरत का चक्कर था क्या जिसमें जगत की माँ दुर्गा वर्मा दखल दे रही हो? इतनी तो कभी बातचीत हुई नहीं साहब, और वैसे भी ऐसे सरफरी से कौन बातचीत करना चाहता है। पति जल्दी गुजर गया था दुर्गा दीदी का, लेकिन वो टूटी नहीं, घर घर काम करके अपने बेटे जगत को पाल पोस के बड़ा किया। ये बात तो हम भी जानते हैं कि वो एक भली औरत थी, लेकिन मालती जी जगत के दोस्त सतीश ने उन्हें इतनी बुरी तरह से क्यों मारा होगा? ये तो अचरज की बात है, पता है दुर्गा दीदी के घर सतीश आता जाता भी था, और जगत जब गाँव गया था तब भी वो आया था। कहीं ये सतीश और जगत की बीवी शिखा के बीच कोई चक्कर तो नहीं, या फिर सतीश, या फिर ओ मैडम जी इतनी गंदी बात आपने सोची भी कैसे, दुर्गा दीदी का अपने बेटे के उम्र के लड़के के साथ? छी 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 छी, उनके साथ नहीं पर शिखा के साथ तो चक्कर हो सकता था ना। किसी बड़े घर की मेम साहब होती तो उससे ही सवाल पूछते आप, नहीं पूछते ना साहब? लेकिन हमारा नाम उस खूनी सतीश के साथ जोड़ रहे हैं आप। शिखा अमीर गरीब कानून के सामने सब बराबर होते हैं, सीधे सवाल है उनका जवाब दो। सतीश तुम्हारे घर आता था? साहब जगत खुद उसको लेकर आता था, बाहर की बजाय घर पे भी पीना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। चल कल मिलते हैं। हाँ। अरे बैठ, अरे चल बाहर। जगत ये घर पर बुलाकर पीना पिलाना जरूरी है? माँ अच्छा खासा नशे का बैंड बजाना जरूरी है। अच्छा अपने नशे की पड़ी है आपको, हम पर क्या गुजरती है कभी सोचा है? चुप, मुंह बंद कर साली। तुमसे शादी के जितना महीना नहीं हुआ ना उतना सालों से हमारी और सतीश की दोस्ती है। दोस्ती होगी जगत, लेकिन अब तू घर गृहस्थी वाला हो गया है, तुझे शिखा की सुननी चाहिए। वैसे तो तू रोज आधी रात को पीकर आता है, अब कभी जल्दी आ जाता है तो ये बोतल ले आता है, साथ में उस नाश पीटे सतीश को भी। चुप,
दोनों चुप। का हमारा दिमाग का दही कर रहे हो तुम लोग? अम्मा, इका टूटा हुआ रिकॉर्ड के जैसा हर रोज एक रट लगाए रहते हो तुम लोग। घर नहीं आता है, शराब पीता है, घर नहीं आता है, शराब पीता है। और जिस दिन हम जल्दी घर आ जाते हैं तो क्या होता है? थाने को पूछता है हमको कोई? हम भोकटिया नहीं है, कमाते हैं, मेहनत करते हैं। इतने भद्दे आदमी को छोड़कर अपनी जिंदगी फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं साहब, और आप लोग हम पर ही उंगली उठा रहे कि जैसे दूसरे इंसान के साथ हमारा चक्कर चल रहा है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सतीश ने तुम्हारी सास का कत्ल क्यों किया। साहब, हमारा उस शराबी सतीश के साथ कोई लेना देना नहीं है, और ये सवाल आप जाके जगत से काहे नहीं पूछते? अच्छा दोस्त है दोनों, पता चला किसी और ही औरत की वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हुआ हो। कोई और औरत होती तो वो मारी जाती, या फिर ये दोनों एक दूसरे को मार डालते। पर जगत की अम्मा क्यों? कहीं है दूसरी औरत, दुर्गा वर्मा तो नहीं, जिसके साथ सतीश का चक्कर चल रहा हो? शर्म कीजिए मैडम, एक औरत है आप। तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो, कुछ था? अगर कुछ है ना तो वो गंध है जो आप लोगों के दिमाग में और आप लोगों की बातों से छलक रहा है। साहब, हमारी लड़ाई जगत से थी, एक नंबर का निकम्मा और वही सी इंसान था साहब। हमारी सास से हमको कोई दिक्कत नहीं थी साहब, अम्मा जी तो एकदम नेक और सीधी औरत थी। इतनी मेहनत करके इस निकम्मे जगत को बड़ा किया था साहब, खून पसीना एक करके अभी भी कमाती थी, घर चलाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं थी अम्मा जी। तो फिर कोई और औरत हो सकती है जो सतीश और जगत के बीच आई हो? साहब जी, कोई एक औरत हो तो वो बताऊं ना। मतलब? धंधे वालियों के पास जाता था साहब। सतीश को पकड़ने के बजाय आप लोग हम ही को बंद करके रखे हो साहब, ये कहाँ का इंसाफ है साहब? अभी तुझे बंद किया कहाँ है, लेकिन लगता है बहुत जल्द करना पड़ेगा, तेरे अंदर से सच को उगलवाना पड़ेगा। कैसे सच साहब? हमें जो पता था हम सब बोल दिए। नहीं बोला है जगत, नहीं बोला है। टैक्सी स्टैंड पर पार्किंग को लेकर दो दोस्तों के बीच झगड़ा होता है और एक दोस्त दूसरे दोस्त की मां का कत्ल कर देता है। माजरा क्या था तुम दोनों के बीच? ये दोनों कोठेबाज हैं अशफाक, इसलिए हर कोठे पर जाकर पता कर वो कौन सी लड़की है जिसको लेकर इन दोनों के बीच में मेरी है की जंग छिड़ी होगी। पर साहब, मारी गई तो उस जगत की अम्मी है ना? हाँ, उस औरत की सतीश के साथ क्या दुश्मनी थी पता कर। और क्या ये हो सकता है कि इस साजिश में कुछ जगत भी शामिल हो? पर साहब, उसकी सगी अम्मी को मरवाने में? अबे अशफाक, तू टीवी देखता है ना, शराब और शबाब किसी से कुछ भी करवा सकती है, किसी को भी हैवान बना सकती है। पार्किंग के झगड़ा के अलावा हमारा कोई मसला नहीं था साहब। सतीश की माँ वो बचपन में ही गुजर गई थी, और उसकी सौतेली माँ से उसकी जमती नहीं थी, उसी को लेकर उसका सिर फिर गया होगा साहब। वाह, एक सिरफिरा दूसरे सिरफिरे को अपने से ज्यादा सिरफिरा साबित करने के लिए मन ग्रंथ कहानियां कर रहा है। हम कब मना कर रहे हैं कि हम सरफिरा नहीं है? वो सिखा जैसी लड़की से जिस आदमी का ब्याह होगा ना, उसका दिमाग खराब होना ही होना है। आप होते ना तो आपका भी हो जाता। टैक्सी स्टैंड पर झगड़े के अलावा और क्या मसला था तुम दोनों के बीच जगत? दिमाग फिर गया हो ना साहब, तो और मसलों की क्या कीमत, चींटी भी पहाड़ लगता है। वो जब टैक्सी स्टैंड पे हमारी जगह पर अपना गाड़ी खड़ा करके पानी छिड़कता था तो ऐसा लगता था हमारे शरीर पे कोई तेजाब छिड़क रहा है। सच बोल जगत, तूने अपनी माँ को क्यों मरवाया? ऐसा मत बोलिए साहब, हम आपके हाथ जोड़ते, वो हमारी माँ थी, हमारी सब कुछ थी। और अब उसका सब कुछ तेरा हो गया है? क्या सब कुछ साहब, वो घर किराए का है और गांव में एक छोटा सा घर है जो पहले से हमारे नाम पे। जब तू अपने गांव के उस घर में जाकर बैठा था ना, तो यहां पर तेरा दोस्त सतीश टैक्सी चलाने के बजाय वो भी घर पर बैठा था, पता किया हमने? गांव क्यों गया था? अपना दिमाग ठंडा करने साहब। एक तो वो सिखा हमको छोड़ के चली गई थी, ऊपर से वो सतीश हर रोज टैक्सी स्टैंड पे हमारा दिमाग खराब करता था साहब। इन सब से हम दूर जाना चाहते थे साहब। पर गांव में क्या करने जा रहा है? दिमाग ठंडा करने माँ। ऐसे अचानक कोई बात है? माँ को नहीं बताएगा? अरे कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं माँ, लौट आएंगे जल्दी। गाँव गए थे दिमाग ठंडा करने साहब, लौटे माँ को आग देने। पता है जगत, मैं तेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं।
ऐसा क्यों? क्योंकि साहब हमको खुद यकीन नहीं हो रहा कि सतीश हमारी माँ को मार दिए साहब, वो भी एक छोटा सा टैक्सी स्टैंड की झगड़े को लेके। हाँ ये दोनों तो कई बार यहाँ आकर बैठे हैं। क्यों, क्या किया है सालों ने? इसने इसकी अम्मी का कत्ल कर दिया है। तो तू यहाँ क्यों आया है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना अशफाक? अरे रानी मैं खाली इतना जानना चाहता हूँ कि तेरी किसी खास लड़की पर ये दोनों फिदा हुए थे क्या? अरे अशफाक मेरी तो हर लड़की खास है। मार्केटिंग मत कर, पुलिस ढूंढ रही है सतीश को, फरार है साला। जानना चाहती है कि किसी एक लड़की की वजह से इन दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर सतीश ने जगत की अम्मी का मर्डर कर दिया। ये जब भी यहाँ आए मैंने तो अपनी हर लड़की इनके सामने रख दी, जैसे सबके सामने रख देती हूँ। कभी कोई स्पेशल डिमांड तो नहीं की इन्होंने? अच्छा रानी मेरे लिए एक काम कर दे, ये खबर ना अपने लोगों में फैला दे, देखना कोई टिप मिलती है क्या, खास करके ना इस सतीश के बारे में। जो पालती है वही माँ होती है ना साहब। सतीश जब 2 साल का था तो उसे जन्म देने वाली उसकी माँ इन्हें हमारी पहली पत्नी चल बसी, तो हमने कमला से ब्याह किया। कमला ने रमेश को जितना प्यार दिया ना उतना ही सतीश को भी प्यार दिया। दामोदर जी सतीश को कोई दिमागी बीमारी है क्या? कभी उसका ऐसा कोई इलाज हुआ है? नहीं साहब, अच्छा खासा था। जब से शराब की लत लगी ना तब से मानो दिमाग का फ्यूज ही गायब हो गया। और इस वक्त सतीश गायब है एक भयंकर कत्ल करने के बाद। हमारे पास ना कत्ल की वजह का सुराग है और ना ही सतीश के ठिकाने का। साहब मैं गांव में अपने भाई परमत को फोन करता हूँ। हम फोन करेंगे। साहिब पहले गाजियाबाद की पुलिस का फोन भी आ चुका है, हम बता चुके हैं सतीश यहाँ नहीं आया, अभी भी ये कह रहे हैं साहब। इंस्पेक्टर साहब इस गांव का सरपंच होने के नाते मैं प्रमोद और दामोदर दोनों की गारंटी लेने के लिए तैयार, ऐसे मामले में दोनों झूठ नहीं बोलेंगे। गाजियाबाद पुलिस को सतीश ठाकुर चाहिए, वो एक औरत का कत्ल करके फरार है। हम आपकी गारंटी मान ले रहे हैं पर आप पर एक जिम्मेदारी भी डाल रहे हैं। हुक्म कीजिए साहब। अगर सतीश की इतनी सी भी खबर आई, अफवाह भी आई तो आप हमें बताएंगे, अगर वो यहाँ दिखा तो उसे हम पकड़ लेंगे और आपका नंबर मिला के आपको खबर कर देंगे। सर सर ये जगत वर्मा, दुर्गा वर्मा, सतीश ठाकुर, सतीश का बाप दामोदर ठाकुर, उसकी सौतेली माँ कमला और सौतेला भाई रमेश, इन सभी के फोन कॉल्स खंगाले। नथिंग नथिंग सर, ऐसा कुछ भी शो अप नहीं हो रहा है जो मर्डर के मोटिव की तरफ इशारा करे या उस पर रोशनी डाले। कातिल कौन है ये हमें क्लियर पता है, पर ना वो हाथ लगा है और ना ही मोटिव की कोई भनक। सिर्फ एक बात का अनुमान लगा सकते हैं कि विक्टिम का बेटा जगत और अक्यूज सतीश के बीच की मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि कत्ल के एक हफ्ते पहले जगत अपने गांव जाता है और तब से ही सतीश भी काम पर नहीं आता। दोनों दोस्त हैं, दोनों टैक्सी ड्राइवर हैं। लेकिन सर उस एक हफ्ते में जब ये जगत अपने गांव में था और ये सतीश अपने घर पर बैठा हुआ था, इन दोनों के बीच में एक बार भी फोन नहीं हुआ है। शायद जो भी बात है या जो भी कोई बात हुई है जिसके कारण ये कत्ल हुआ है, वो जो भी कुछ है वो कत्ल के एक हफ्ते पहले हुआ होगा बिल्कुल, क्योंकि इत्तेफाक नहीं हो सकता दोनों का एक साथ काम पर नहीं जाना। सतीश और जगत के बीच का माजरा हो सकता है या फिर सतीश जगत और जगत की माँ दुर्गा वर्मा के बीच का। और अब ये सतीश फरार है और दुर्गा वर्मा मर चुकी है और जगत को हमने काफी इंटेरोगेट किया लेकिन अभी तक क्रैक नहीं हुआ। सर दामोदर के गांव करौली में सरपंच ने और लोकल पुलिस ने नजर रखी हुई है, सतीश का फोटो और उसकी डिटेल्स हर थाने में भेज दी गई। इतना बड़ा देश है हमारा, खास में सुई ढूंढने के बराबर होगा, सिचुएशन ब्राइट नहीं है बन सकता, हमें ब्रेक थ्रू जल्द से जल्द चाहिए। दोबारा इसे गाँव आओ नहीं जाएंगे ना रैन सेठ, वो पहले का पैसा दे दीजिए ना। पहले 1 महीना तक बिना छुट्टी लिए टैक्सी चला तब दूंगा। बड़ी ज़रूरत है, गाँव आना जाना हुआ माँ का क्रियाक्रम में, दे दीजिए ना। अबे तुम लोग लाड साहब की तरह बिना बोले चले गए छुट्टी पर, तुम गाँव गए और सतीश पता नहीं कहाँ छुपा। अबे ऐसा क्या हुआ तुम लोग के बीच में जो सतीश ने तेरी माँ को मार डाला? पुलिस वालों ने ये सवाल हमसे 1000 बार पूछा है। अच्छा चल मैं नहीं पूछता, ले चाबी टैक्सी की और लग जा धंधे पर, परसों आ जाना, 1 हफ्ते का पैसा दे दूंगा। बहुत मेहरबानी सेठ।
वो सतीश ठाकुर और जगत वर्मा की बात की थी ना तूने? हाँ हाँ हाँ। अच्छा तेरे कोठे पे बैठे थे क्या कभी? कोई खास थी क्या दोनों की? ना, वो दोनों तो हमारे कोठे पर कभी बैठे ही नहीं। अबे तो मुझे यहाँ मौसम का हाल सुनाने के लिए बुलाया बे? हाँ वेला लगता मैं तुझे। प्रगति, प्रगति नाम है उसका, उसका धंधा करती है, मेरा एक दोस्त है पवन, एजेंट है उसका। अच्छा तो सतीश और जगत दोनों का दिल आ गया था क्या इस प्रगति पे? वो तो पता नहीं, पवन बता रहा था कि 2 महीने पहले जून में एक बार वो जगत आया था उसके पास, बोला प्रगति को बाहर ले जाना है। लड़की चाहिए? खास लड़की चाहिए। खास लड़की मतलब? प्रगति नाम है। तेरा कोई दोस्त बैठा उसके साथ? क्यों? आप हम यहाँ बैठेंगे नहीं, लेकिन हम उसको बाहर लेके जाएंगे। पहली बार में नहीं होता ये सर। अब ये प्रगति जड़ है इस फसाद की या कड़ी है सतीश तक पहुंचने की? क्या है क्या नहीं वो तू जाने और तेरे पुलिस वाले मालिक। मेरी बात सुन, दुर्गा वर्मा के मर्डर के 1 हफ्ते पहले सतीश ने टैक्सी चलाना बंद किया, उसी 1 हफ्ते के लिए जगत वर्मा, दुर्गा वर्मा का बेटा भी गांव में जा बैठा। तू मेरी सुनाई कहानी मुझे क्यों सुना रहा बे? उसी हफ्ते में प्रगति भी चिड़िया हो गई। और कहाँ? चिड़िया पिंजड़ा तोड़ के जाती है तो एड्रेस और फोन नंबर छोड़ के जाती है क्या? 3 साल पहले सामने जाई थी पवन के पास, बोली एजेंट बन मेरा, धंधा दिला और उस दिन एकदम से गुल। प्रगति का नंबर बंद है 4 अगस्त से और 5 अगस्त को जगत गाजियाबाद छोड़कर अपने गांव चला जाता है बिहार, और 5 अगस्त से ही सतीश काम पर नहीं जाता, और 12 अगस्त को सतीश जगत की माँ दुर्गा का कत्ल कर देता है। चल क्या रहा था पवन? हाथ जोड़ता हूँ मैं, मुझे इस समय मत घसीटो, वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। 4 अगस्त से मेरी ये खास लड़की प्रगति गायब हुई है, तब से खाने के लाले पड़ गए, ऊपर से उसको ढूंढने का खर्चा अलग। सतीश के साथ भागी होगी? साहब मैं किसी सती वतीश को नहीं जानता, नाम से तो नहीं। हाँ ये जगत जरूर आया था एक बार, वही लेकर गया था साहब, लेकिन उतना कि किसी से जबरदस्ती काम करवाऊं। और ये प्रगति तो सामने से चल के आई थी मेरे पास, मैं जाऊं? सामने से चल के आई थी तो उसका सारा कच्चा चिट्ठा भी होगा तेरे पास। कोई रजिस्टर्ड धंधा थोड़ी है कि आधार कार्ड पैन कार्ड और वोटर आईडी रखेंगे। साहब मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसका असली नाम प्रगति है या कुछ और। प्रगति के बारे में हमें किसी और लड़की ने बताया था साहब, अब याद नहीं। सतीश भी बैठता था उसके साथ? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और साहब ये कैसी अजीब अजीब बातें पूछकर आप हमारी जान ले रहे हैं? माँ मरी है हमारी। माँ मरी नहीं है, मारी गई है। और पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मदद करने के बजाय तुमको छिपा रहे हो हमसे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है साहब। ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा होगा जगत वर्मा, क्योंकि ये सतीश ठाकुर बहुत जल्द हमारे कब्जे में होगा, और अगर तब हमें पता चला ना कि तूने हमसे कुछ छिपाया है या तू भी साजिश में शामिल था, तो तेरी डिक्की और इंजन दोनों एक कर दूंगा। HIV पॉजिटिव है सतीश ठाकुर? एक टैक्सी वाले ने बताया कि सतीश हमेशा बीमार रहता था, कौन से अस्पताल जाता था पता किया, वहां से ये निकला। सर सतीश को जुलाई में पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है, दुर्गा वर्मा के कत्ल के 1 महीने पहले। लेकिन इसका जगत की मां दुर्गा से क्या कनेक्शन हो सकता है? आप दावे के साथ कह सकते हैं कि वो अभी भी वहीं है? 100% वहीं पर है साहब, वो अपने चाचा प्रमोद ठाकुर के घर आया ही नहीं। मेरा एक लड़का है उसने देखा है सतीश ठाकुर को,
रहता है उस छोटे से घर में और आसपास के खेतों में काम मांगता फिरता है। क्यों मारा जगत की मां को? मैंने नहीं मारा साहब, एक नहीं दो दो गवाह हमारे पास। सतीश तेरी हालत खस्ता है, बोल दे इस कत्ल से तेरी बीमारी का कोई ताल्लुक है? मार खाने लायक तेरी हालत नहीं है, एक थप्पड़ भी नहीं, इसलिए चुपचाप बोल दे। जगत तेरे और प्रगति के बीच में आ रहा था या उसकी मां बीच में आ रही थी? रिपोर्ट पढ़ी, कुछ समझे? नहीं। ये जो पिछले दो हफ्ते से तुम्हें थकान हो रही है, वजन घटा है, ये सब इसलिए है क्योंकि तुम्हें एचआईवी इंफेक्शन हुआ। मतलब एड्स? एचआईवी इंफेक्शन जो आगे चलकर एड्स का रूप लेता है। ये तो अच्छा हुआ कि अर्ली स्टेज में पता चल गया। देखो सतीश, घबराने की कोई बात नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर हाँ आसान नहीं होगा। चली जा तू, मेरे को तेरी शक्ल नहीं देखनी, आज से तेरा मेरा खत्म। मुझे जगत ने भेजा था तुम्हारे पास। हाँ सतीश। कभी ने तूने जानबूझकर प्रगति को मेरे पास भेजा था? जानबूझ के क्या मतलब है? ज्यादा बंद मत, ठीक है? प्रगति मेरे को सब कुछ बोल चुकी है। तेरे को पता था ना उसको एचआईवी है, इसीलिए तो उसके साथ बैठा नहीं और मेरे को बोला कि वो बहुत अच्छी है और मेरे पास भेज दिया ना? नहीं बेब, ऐसा नहीं है। तूने मेरे साथ बहुत गंदा खेल खेला, अब तेरे साथ गंदा हूं। तू सिर्फ बता तू मेरे को किधर धंधा कर, और अगर मर्द है ना तो वही रुक, वहां आकर मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा साले। जगत किधर है? गांव गया है, क्या काम है तुझे? गांव कौन सा है तुम्हारा? नहीं बताती गांव का नाम, क्या कर लेगा? चल जाए यहाँ से, और जब जगत लौट कर आएगा ना तब बात करना, दफा हो यहाँ से। गांव का नाम पूछने आया है? उसकी मां गांव का नाम भी नहीं बता रही थी। मेरे अंदर बस एक उबाल सा आ रहा था, मुझे उसे ऐसा घाव देना था जैसा उसने मुझे दिया था, तड़पाना था उसे। मैं जानता हूं कि
मेरे दिन भर गए थे, लेकिन उसको पूरे जिंदगी का दर्द देना था मुझे। तो तूने उसकी बेकसूर मां को मार डाला। सुकून मिला? उबाल ठंडा हुआ? घाव भरा तेरा? सतीश, तुझे HIV हुआ तेरी अपनी लापरवाही की वजह से, शायद जगत की साजिश से। पर तेरे HIV का ये इलाज था, ये कत्ल? क्या हासिल हुआ तुझे? इस सतीश ठाकुर का मेडिकल करवा। क्या हो गया इंसान? टैक्सी स्टैंड की पार्किंग, इतनी छोटी सी बात को लेकर एक ने दूसरे को HIV की तरफ धकेला और दूसरे ने एक मासूम औरत का कत्ल कर दिया। इस जगत की कुटाई तो बनती है सर। ये कब से मामा कह रहा था, इसने अपना भयानक चेहरा तो दिखाया नहीं। तुझे पहले से मालूम था कि प्रगति HIV पॉजिटिव है। तूने जानबूझकर सतीश को उसके पास भेजा। हम तंग आ गए थे साहब, उसकी दादागिरी से जलील करता था, हाथ उठाता था सबके सामने। हम उसको सबक सिखाना चाहते थे। अब हमारी बारी है तुझे सबक सिखाने की। मुझे गलती हुई साहब। गलती नहीं हुई, जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। तूने सतीश की जिंदगी खराब की, उसने तेरी मां की जान ले ली। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे साहब कि वो सतीश इस हद तक चला जाएगा। तूने कौन सी कसर छोड़ दी बे? हैं? कायरों की तरह गांव में जाकर छिप गया, सतीश का सामना करता? सतीश ने तेरी मां की जान ली, लेकिन इस जुर्म के बाप को, इस भयंकर कांड को तूने जन्म दिया। झगड़ा हो, मनमुटाव हो, मतभेद हो, किसी दोस्त से या किसी भी रिश्ते से, इन निगेटिव जज्बातों को वहीं तक रखा जाए जहां तक भावनाओं को रहना चाहिए। रॉकेट साइंस नहीं है इतनी बेसिक सी बात समझना कि दर्द पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता। जब कोई किसी को दर्द देता है तो सूद समेत देने वाले के पास दर्द वापस लौट सकता है, और यह दर्द कब एक भयंकर जुर्म का रूप लेकर लौटेगा मुश्किल है बताना। पर अतीत पास की स्टडी जरूर हो सकती है जो हर बार एक ही सच साबित करती है, जैसे कर्म वैसे फल, और जुर्म का फल हमेशा सजा। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।